तो यार कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा तुम्हारे सामने फिर। तो यार आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 3 फुल बंटाई ऐप जिसे देख के तुम सिर्फ एक ही अल्फाज बोलोगे। तो यार हमारी नंबर 1 पे एप्लीकेशन आती है, उसका नाम है यूनिवर्सल कॉपी। मान लो यार तुम्हारा मैं दोस्त हूँ और अच्छा। मैंने तुम्हें एक आंसर शीट भेज दी, एक ऐसे भेज दिया इमेज के अंदर। अब तुम वो अपने मोबाइल में या कहीं उतारने जाओगे तो टाइम लग जाएगा अपने मोबाइल में अगर उतारोगे तो। मैं इस ऐप से ये होगा, तुम्हें इस ऐप से ये फ़ायदा है, उसका तुम जो टेक्स्ट होगा वो स्ट्रैक कर पाओगे, कॉपी पेस्ट कर पाओगे इमेज के अंदर से। तो यार करना कुछ नहीं है, यूनिवर्सल कॉपी अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको स्किप कर देना है, ज़रूरी नहीं है ये। यहाँ से यूनिवर्सल कॉपी को इनेबल करना है, ओपन सेटिंग करना है, सेटिंग पे तुम्हें यूनिवर्सल कॉपी मिल जाएगा, उसे ऑन कर लेना है सिर्फ, ठीक है। ओके करना है, वापस बैक आ जाना है। एक सेकेंड, बैक आने के बाद स्कैनर मोड ऑन कर लेना है, बस तुम्हारा काम ख़त्म। अब मैं तुम्हें इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ नेट पे लिख दिया गूगल पे एसए ऑन कराची, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एक्टिवेट करूँगा, ये देखो स्टार्ट ना हो गया। इस पर क्लिक करने के बाद ये पूरा पेज पहले स्कैन कर लेगा, ठीक है। ये स्कैन कर लिया इसने, अब यहाँ से मैं ओके करूँगा, ये मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये टेक्स्ट, ये देखें कॉपी का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतनी सारी इमेज है, मैं ये वाली इमेज ओपन कर लेता हूँ। देखें इसका मैं टेक्स्ट टैग कर दूँगा, ये देखिए। यहाँ से वापस मैं यूनिवर्सल कॉपी पे क्लिक करूँगा, स्टार्ट नाउ करूँगा, ये पेज स्कैन हो जाएगा मेरा, ये देखें स्कैन हो गया। अब मैं ये 1, 2, 3 ये देख सकते हैं, तीनों मैंने लाइन्स कॉपी कर ली हैं, तीनों पैराग्राफ कॉपी कर लिए मैंने, देखें। तो यार ये ट्रिक तुम्हारे लिए काफ़ी यूज़फुल है अगर तुम स्क्रीनशॉट या मैं इसी तरह के ऐसे स्कूल आंसर शीट लेते हो तो, क्योंकि उसमें ये होता है डायरेक्ट तुम कॉपी पेस्ट कर पाओगे। अभी मैं वहाँ से उतारने जाता तो टाइम लगता है, देखें मैंने फ़ौरन कॉपी कर लिया। तो ये एक ट्रिक काफ़ी यूज़फुल है। वाह क्या सीन है। तो यार बढ़ते हैं हमारी सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ, और ये एप्लीकेशन सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तो यार फ्री में वाईफाई तो चलाना चाहते ही होगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो यार करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे लिख लेना है वाईफाई इंस्टा ब्रिज, वहाँ पे वाईफाई इंस्टा ब्रिज इस तरह लिख देना है, ठीक है। इसे इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है, ये देख सकते हैं इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद ये साइन इन हो जाएगा, साइन इन होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट, ये तीन दफ़ा नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरे घर के आसपास जितने भी वाईफाई हैं, मतलब जो अनलॉक्ड हैं, PTCL वगैरह हैं, रेस्टोरेंट के वगैरह, वो सब मेरे को दिखा रहा है। ये देख सकते हैं लकी वन मॉल तक का दिखा रहा है मेरे को, ये देखें। अब ये देख सकते हैं इमरान, पता नहीं इमरान खान क्या है ये, इसको मैं अनलॉक करूँगा, अनलॉक पासवर्ड पे क्लिक करना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे ये वीडियो दिखाएगा, ये वीडियो पूरी देखने के बाद ये देख सकते हैं ये वीडियो ख़त्म हो गई। ये वीडियो देखने के बाद ये देखें पासवर्ड शो हो गया, शेर अली 9922, ये फंस गया सी है, ये देख सकते हैं ये हो गया। अब इसी तरह मैं दूसरा दिखाता हूँ, ये देखें लकी वन का दूसरा ही पासवर्ड दिखा देता हूँ, और ये देख सकते हैं इसमें कुछ कुछ वर्क नहीं करते, जो वर्क कर रहे हैं ये देखें लोकल यूज़र, ये लकी वन के आसपास ही कहीं है। इसको मैं अनलॉक करूँगा, अनलॉक करने के बाद ये देख सकते हैं इसका भी पासवर्ड आ गया, नाइट पता नहीं 2018 क्या लिखा है, जो भी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे घर के पास मस्जिद है, मैं उसका भी दिखूँगा तो वो भी दिखा देगा, बिलाल मस्जिद, जामा बिलाल मस्जिद, अबुल हसन असवानी रोड, ये देख सकते हैं ये वाली मस्जिद है। अब इसका भी मैं पासवर्ड निकाल के दिखाऊँगा, ये आ गया। यहाँ पर शो पासवर्ड पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे शो पासवर्ड पे ये रह गया, वही अनलॉक पासवर्ड करना है, वीडियो देख लेनी है। एक सेकंड मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ये देखें ये इसको यहाँ से कैंसिल कर देना, ये देखें स्टाइलिश 0.474 ये देख सकते हैं इसका भी आ गया। अब इसका एक फ़ीचर ये है कि इसमें तुम कॉइन अर्न कर सकते हो और उसको रिडीम कर सकते हो, मतलब इसके जो और फीचर्स हैं वो तुम अनलॉक कर सकते हो। ये देखें रिडीम कॉइन मैं दिखाता हूँ, 500 MB VPN, 1 hour क्लाउड स्टोरेज, और भी दिखा देता हूँ इसका मैं बैक करके, ये देखें 100 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज, ये सब बहुत सारी इसमें मतलब अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। तो यार जाओ किस बात की देर है यार, जल्दी जाके इसे डाउनलोड करो। तो यार नंबर 3 जो एप्लीकेशन आती है वो तो बहुत ही भयानक एप्लीकेशन है।
लेकिन वो एप्लीकेशन तुम्हारे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि उससे ये होगा जब भी कोई तुम्हारे फ़ोन को तुम्हारी परमिशन के बगैर हाथ लगाएगा तो उसमें सायरन बज जाएगा, पुलिस वाला सायरन। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह बजेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और जब सामने वाला बंदा इसमें वॉल्यूम कम करेगा तो उससे वॉल्यूम कम होगा भी नहीं। ये देखो, बड़ा हरामी हो बेटा। तो यार करना कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्ले स्टोर ओपन करना है, वहाँ पे लिखना है डोंट टच माय फोन, ये खाली लिखना है। ये वाली एप्लीकेशन है ये, एक सेकंड, ये वाली नहीं, एक सेकंड, ये वाली देख सकते हैं, टपस गेम्स वाली ने किया, ये वाली इंस्टॉल कर लेनी है इसे। ठीक है, इसे ओपन करना है। ठीक है, एक सेकेंड, ये ओपन हो जाए। ओपन करने के बाद तीन दफ़ा नेक्स्ट 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 इस तरह करना है, और जस्ट टाइप स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है और अपना फ़ोन बंद कर देना है। अब जब भी तुम्हारी परमिशन के बगैर कोई फ़ोन को हाथ लगाएगा तो आगे तो तुम्हें पता ही है क्या होगा। और हाँ हाँ, इसका एक और सीक्रेट बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारा जो सामने वाला जिसने भी तुम्हारा फ़ोन लिया होगा वो इसको बंद ही नहीं कर पाएगा। वो इस तरह कि अगर तुम इसका आइकन और नाम ही चेंज कर दो ऐप का, और खाली तुम्हें ही पता हो या इस पे पासवर्ड लगा दो, तो सामने वाला इसे कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो बंद ही नहीं कर पाएगा, और जब तक तुम्हारे को तुम्हारा चोर भी मिल जाएगा। मैं इसका आइकन और नाम चेंज कर देता हूँ और इस पर लॉक भी लगा देता हूँ। और जिसने भी तुम्हारा फोन लिया होगा वो सिर्फ यही बोलेगा, करो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। तो यार इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब तो करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अपने दोस्तों को भी बताओ यार, अकेले अकेले मजे नहीं लूटो यार भाई, मजा आया।